नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बात करेंगे दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने सच्ची में किया है 21 दिन में पैसा डबल जी हाँ दोस्तों आज एक ऐसे पैनी स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जिसने लगभग पिछले 20 से इक्कीस दिन में ही आपका जो पैसा है उसको डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले अगर मैं स्टॉक के नाम की बात करूँ तो देखिए कंपनी का नाम है यामिनी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लिमिटेड तो डिटेल में डिस्कस करेंगे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ऐसे ही केवल नाम देखकर इन्वेस्टमेंट करने की गलती मत कीजिएगा एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हर एक चीज़ को आप पहले देख लीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइसेशन की बात करूँ तो पिछले कुछ टाइम से लगातार आपको यहाँ पर पास रखते नज़र आ रहे हैं पिछले पाँच दिन में आप देख सकते हैं बीस परसेंट के रिटर्न हैं एंड लास्ट वन मंथ में आपके पास वन हंड्रेड एंड सिक्स परसेंट के रिटर्न हैं उसके अलावा लास्ट सिक्स मंथ की बात करें तो वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन परसेंट के रिटर्न और पिछले एक साल में वन नाइन्टी एट परसेंट के रिटर्न है तो ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से लगातार अपर सर्किट के साथ स्टॉक आपको डील करता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले पाँच साल की बात करें तो आप देखेंगे कि ऐसे अप एंड डाउंस जो है इसमें पंप एंड डम पहले भी स्टॉक में देखे जा चुके हैं और मैक्स चार्ट की बात करें तो स्टॉक जो है सेवेंटी सेवन परसेंट की गिरावट में है तो देखिए यहाँ से कंपनी के मैक्स चार्ट के साथ एक चीज़ तो क्लियर है कि कंपनी जो है आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं है जी हाँ दोस्तों जो एक कंपनी में परफॉर्मेंस वाइज आप कह सकते हैं या फिर कंपनी के फाइनेंशियली अगर कंपनी स्टेबल होती तो डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक कभी भी इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट के साथ आपको देखने को नहीं मिलता बट यहाँ पर अगर इतनी गिरावट हो गई है दैन डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक में कंपनी फाइनेंशियली वाइज जो है वीक होगी बाकी अगर ही बात कंपनी के अब तक की परफॉर्मेंस की तो देखिए जिस तरीके से कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में परफॉर्म किया है यहाँ से देखिए जनरल सी बात है कि प्रॉफिट बुक कभी भी हो सकता है क्योंकि देखिए एक तो पेनी स्टॉक है काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है ऊपर से पिछले लंबे टाइम से लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स के द्वारा ही इसको मैनुपलेट किया जा रहा है तो कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है जो ऑपरेटर्स हैं वो अपना अमाउंट यहाँ से कभी भी निकाल सकते हैं और जैसे ही यहाँ पे ऑपरेटर्स के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग होगी लगातार आपको फिर यहाँ पे लॉन्ग सर्किट में भी ये स्टॉक डील करता हुआ देखने को मिलेगा उसके अलावा रही बात कंपनी की परफॉर्मेंस की तो देखिए वो हम यहाँ पे डिटेल में आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कंपनी परफॉर्मेंस वाइज कैसी है सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करें तो वन करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है उसके अलावा पी ई की बात करें तो 114 का पी ई जो कि काफ़ी ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेलिंग सेलिंग प्रेशर बन सकता है एंड सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पॉइंट थ्री सेवन परसेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम है अग्निंग पर शेयर की बात करें तो जीरो पॉइंट जीरो टू पैसे है ये भी अगेन काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ वेल एज कंपनी के बुक वैल्यू आप देखेंगे वन रुपीज़ एंड ट्वेंटी नाइन पैसे की है तो ये चीज़ अच्छी है कि कंपनी की बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है फेस वैल्यू वन की है अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सेम एज़ इट इज़ आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस में अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है केवल जो एक लास्ट मारे पास क्वार्टर फोर की बात करें तो वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ था उसके अलावा वही कंपनी का एवरेज जो वेन्यू है वो आपके पास वन से लेकर थ्री के बीच में कंपनी द्वारा जो है रेवेन्यू जनरेट होता है प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी अप एंड डाउंस देखने को मिले हैं बीच में कंपनी ने लॉस भी जनरेट किया लास्ट क्वार्टर कंपनी का अच्छा रहा था क्वार्टर वन में परफॉर्मेंस अच्छी थी उसके अलावा अगर आप ईयरली वाइज बात करें तो वहाँ पर जरूर आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेंगे तो देखिए कंपनी ओवरऑल परफॉर्म अच्छा कर रही है बट कहीं ना कहीं वहाँ पर जो आपके पास क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वहाँ पे कंपनी थोड़ा गिरावट में देखने को मिल रही है वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल नजर आ रहा है उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम होल्डिंग 98 परसेंट तक की होल्डिंग आपके पास जो है वो पब्लिक और रिटेलर्स के पास है प्रोमोटर्स के पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है देखिए वही चीज़ है कि रिस्की या स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्क है प्रॉफिट बुकिंग कभी भी हो सकती है सबसे पहली बात बातचीत तो ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी आप सोच सकते हैं कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप एक अपना प्रॉफिट जो है बुक करके यहाँ से निकल सकते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं फिलहाल जिस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं तो यहाँ हो सकता है और यहाँ पे आपको लॉ सर्किट देखने को मिल सकता है क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक है तो कोई भी इसको लंबे टाइम तक होल्ड करने का रिस्क नहीं लेगा तो यहाँ से एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये कभी भी गिरावट में आ सकता है यहाँ पे आपको कभी भी लॉ सर्किट देखने को मिल सकता है तो अगर आप एक अच्छे प्रॉफिट में है तो आप यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टॉक जाने वाला है बाकी फिर भी आप देखिए एक बार खुद एनालिसिस कर लीजिएगा अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है दिन आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आज इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद